अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हमारा लेक्चर 6 है। आज हमने प्रीपेड और अनर्न के बारे में समझना है, प्रीपेड और अनर्न के बारे में। देखिए बेटा, प्रीपेड कहते हैं पहले से अदा करना, ठीक है। और अनर्न का मतलब है नहीं कमाया हुआ, अर्न का मतलब कमा लिया। जैसे आपसे कोई पूछता है ना कि आपकी अर्निंग कितनी है, तो आप कहते हो इतनी है। तो अर्न का मतलब कमा लिया और अनअर्न का मतलब नहीं कमाया। तो बेटा देखें, प्रीपेड मींस पहले से अदा करना। बेटा देखें, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि जब आप लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं किसी को, जैसे बेटा देखें, आप लोगों के पास आपकी प्रीपेड सिम है, सिम आपकी प्रीपेड है। इसका नाम प्रीपेड क्यों रखा गया है? क्योंकि आप लोग पहले इसमें पेमेंट करते हैं, यानी कि इसमें पैसे लोड, यानी लोड करवाते हैं आप लोग, फिर उसके बाद आप लोग फ़ायदा लेते हैं। अगर आप लोग उसमें लोड ना डलवाएं तो फिर आप लोग किसी को कॉल नहीं कर सकते। तो प्रीपेड का मतलब है पहले अदा करना है। प्रीपेड सिम, जैसे प्रीपेड सिम है, ये आपके लिए एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जब इसमें लोड डलवाते हैं तो वो फिर आपको फ़ायदा देता है ना, तो प्रीपेड हमारे लिए एसेट्स हैं। और अनर्न का मतलब क्या हुआ? नहीं कमाया हुआ। कैसे बेटा? आप लोग क्या करते हैं, या मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को एडवांस में पैसे दे देता हूँ कि भाई ये लो पैसे 10,000 रुपये और ये मेरा मकान है, ये आप लोग मुझे किराए पे लगा के दे दें। तो बेटा देखें, आप लोगों ने मुझसे पैसे तो ले लिए हैं, वो आपने कमा लिए? नहीं कमाए ना। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोगों के वो पैसे तब आप लोगों के हो जाएंगे जब आप लोग मुझे वो मकान किराए पर लगा कर दे देंगे। आप लोग वो पैसे तब तक नहीं कमाए होते हैं, तो इसलिए बेटा उसके लिए अनर्न का नाम यूज़ किया जाता है। जब आप लोग एडवांस में पेमेंट करेंगे तो वो प्रीपेड कहलाया जाता है, और अगर आप लोग एडवांस में वसूली करेंगे तो वो बेटा अनर्न कहलाया जाता है। तो बेटा आज हम लोग जनरल की एंट्रीज बनाएंगे प्रीपेड और अनर्न के हवाले से। तो बेटा पहले इसमें एक्सपेंस और इनकम के भी साथ में जिक्र हुआ है कि जब आप लोग उसी मंथ में पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस कैसे किया जाता है, और जब एडवांस में पेमेंट करते हैं तो प्रीपेड कैसे लिखा जाता है। आप लोग अगर उसी मंथ में वसूली करें तो इनकम कैसे होता है, और अगर एडवांस में वसूली करें तो अनर्न कैसे कहलाया जाता है। तो बेटा देखिए, हमारे पास पहली एंट्री है पेड रेंट ₹10,000। आपने रेंट ₹10,000 दिया। देखिए बेटा, इसमें कोई एडवांस का जिक्र नहीं हुआ, ये इसका मतलब उसी महीने का आप लोग रेंट दे रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको कल भी समझाया था, जब आप लोग उसी मंथ में पेमेंट करते हैं तो वो आपका एक्सपेंस कहलाया जाता है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बेटा हम लोग अपने पास 2020 जुलाई 1, बेटा हम लोग अपने पास रेंट एक्सपेंस को ₹10,000 से डेबिट कर देंगे। अच्छा बेटा, हम लोगों ने कैश दिया है, कैश हमारे पास कम हो रहा है, कैश की नेचर एसेट्स है, और एसेट्स जब कम होते हैं तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। हमने ये सिर्फ रूल्स के मुताबिक किया, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, हमने रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। और कैश हमारे पास कम हो रहा है, कैश की नेचर एसेट्स है, एसेट्स जब कम होते हैं तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो कैश को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। ये तो रूल्स के मुताबिक हम चल रहे हैं। अब जरा आप लोग अपने नज़र ये सोचे, आप लोग क्या दे रहे हैं, कैश आप लोग दे रहे हैं, तो कैश बेटा देन के कॉलम में चला गया। क्रेडिट का मतलब क्या है? देन, और डेबिट का मतलब है लेन। यानी बेटा आपने ये जो ₹10,000 दिए फ्री में तो नहीं दिए ना, आपने किसी चीज़ का फायदा लिया है। किस चीज़ का फायदा लिया है? रेंट का फायदा लिया है। तो बेटा रेंट एक्सपेंस को आप लोगों ने डेबिट कर दिया, यानी कि हमने ₹10,000 कैश दिया और ₹10,000 का रेंट का फायदा ले लिया। नरेशन बेटा, टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस, ये तो बेटा एक्सपेंस के बारे से था जो पिछली क्लास में भी हम समझा था। इस क्लास में इसलिए समझाया क्योंकि बेटा आगे अभी मैंने आप लोगों को प्रीपेड के हवाले से भी समझाना है। अब बेटा नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है पेड रेंट इन एडवांस। अब बेटा बात एडवांस की आ गई, बेटा आपने रेंट एडवांस भी दिया है। बेटा जब आप लोग एडवांस पे पेमेंट कर देते हैं तो आपने उसका फ़ायदा नहीं लिया होता, वो आपका एक्सपेंस यानी वो पैसा आपके खर्च नहीं होते। जैसे बेटा आपके एक मुलाजिम आता है काम के लिए, आपने उसको 2-3 महीनों की सैलरी एडवांस में दे दी। तो बेटा आपने एडवांस में सैलरी तो दे दी लेकिन आपने उसका फ़ायदा नहीं लिया, वो 3 महीने आकर काम करेगा तब जाके आपके वो पैसे खर्च होंगे। तो बेटा अगर वो 2 महीने काम कर ले और 3रे महीने कहे भाई मैं नहीं करा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो आप उससे 1 महीने की सैलरी वापस लेंगे। तो बेटा जब आप लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं, यहाँ पर लिखा है पेड रेंट इन एडवांस। बेटा देखिए, आप लोग रेंट एडवांस में दे रहे हैं, आप असल में दे क्या रहे हैं? आप बेटा असल में कैश दे रहे हैं ना, तो बेटा कैश को आप लोग क्रेडिट कर देंगे।
20,000 रुपीज से कैश दे रहे, देन में चला गया। अब बेटे ये 20,000 आपने दे तो दिए एडवांस में, लेकिन आपने इसका फायदा नहीं लिया, आपने इसका फायदा लेना है। तो बेटा प्रीपेड की नेचर एसेट्स है। अब यहां पर बेटा हमारे पास प्रीपेड बढ़ रहा है, यानी कि एसेट्स हमारे पास बढ़ रहे हैं, तो बेटा हम रूल्स के मुताबिक प्रीपेड रेंट को आप लोग डेबिट करेंगे। अब देखे बेटा कैश आप लोग दे रहे हैं, देन की कॉलम में चला गया। अच्छा बेटा हमने इस रेंट का फायदा तो नहीं लिया ना, हमने 20,000 का फायदा लेना है, लेना है तो बेटा इसलिए लेन के कॉलम में आ गया। प्रीपेड की नेचर एसेट्स है, हमारे पास प्रीपेड बढ़ रहा है, तो रूल्स के मुताबिक हमने प्रीपेड रेंट को डेबिट कर दिया, क्लियर। लेकिन अगर अपने नजरिए सोचे तो बेटा आप लोग कैश दे रहे हैं, देन में चला गया, और 20,000 का रेंट का फायदा हमने लेना है, तो इसलिए बेटा हमने प्रीपेड रेंट को डेबिट कर दिया। नरेशन लिखेंगे बेटा टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट या टू रिकॉर्ड रेंट पेड रेंट इन एडवांस। बेटा क्लियर हुआ ये? अब बेटा नेक्स्ट पे आते हैं, पेड सैलरी इन एडवांस। अब आप लोग बेटा सैलरी एडवांस दे रहे हैं बाय चेक, चेक के थ्रू। अब देखिए आपने चेक दिया बंदे को, एडवांस में दिया, ठीक है, आपने बंदे को चेक दिया, बंदा जाके पैसे कहां से लेगा? बैंक से लेगा ना, तो देन का काम कौन करेगा? बैंक करेगा। तो आप लोग अपने पास बैंक को क्रेडिट कर देंगे 30,000 रुपये से, बैंक क्रेडिट हो गया। अब आपने ये चेक फ्री में तो नहीं दिया, आपने किस चीज़ की पेमेंट की है? सैलरी की है। तो आप लोग अपने पास प्रीपेड सैलरी को डेबिट कर देंगे, क्यों? क्योंकि आपने 30,000 का फायदा लेना है, आपने अपने पास 30,000 का फायदा लेना है। प्रीपेड की नेचर एसेट्स है, हमारे पास प्रीपेड बढ़ रहा है, तो हमने रूल्स के मुताबिक प्रीपेड सैलरी को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। आपने चेक दिया है तो बैंक देन का काम कर रहा है, बैंक क्रेडिट हो गया। और 30,000 का आपने किस चीज का फायदा लेना है? सैलरी का फायदा लेना है, लिया नहीं है, तो इसलिए प्रीपेड सैलरी को डेबिट कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? अब बेटा हम आते हैं इनकम की तरफ जरा, कि हमारे पास जब उस मंथ में पैसे वसूल करते हैं तो इनकम कब लिखते हैं और अनअर्न इनकम कब लिखते हैं, उसके आप लोगों में आप समझाता हूं। आप बेटा देखें हमारे पास एंट्री है रिसीव्ड रेंट ₹20,000। देखें आप लोग रेंट ले रहे हैं 20,000 रुपये। देखें हमें रूल्स बताता है कि जब इनकम बढ़ती है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। अब जरा गौर से सोचें, देखें आप लोग रेंट ले रहे हैं, आपको मिल क्या रहा है? आप लोगों को कैश मिल रहा है। देखें कैश की नेचर एसेट्स है, हमारे पास क्या कंपनी में बढ़ रहा है? कैश बढ़ रहा है, कैश की नेचर एसेट्स है। और एसेट्स जब बढ़ते हैं तो हम लोग उसको डेबिट कर देते हैं, तो हमने रूल्स के मुताबिक कैश को डेबिट कर दिया 20,000 रुपये से। अच्छा देखें हमारे पास इनकम भी बढ़ रही है क्योंकि हम रेंट ले रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ रही है, और रूल्स हमें बताता है इनकम जब बढ़ती है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, तो हमने रूल्स के मुताबिक रेंट इनकम को क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपये से। देखिए रूल्स हमें बताता है एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, हमारे पास कैश बढ़ रहा था डेबिट कर दिया, और रूल्स हमें बताता है इनकम जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, हमने इनकम को क्रेडिट कर दिया, ये हमें रूल्स बता रहा है। अब आप लोग जरा अपने नजरिए सोचें, आप लोग रेंट ले रहे हैं तो आपको मिल क्या रहा है? आपको कैश मिल रहा है, कैश आप लोग ले रहे हैं तो कैश को डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब क्या है? लेन। आप 20,000 कैश ले रहे हैं, लेन में आ गया। और बेटा आपने ये 20,000 फ्री में तो नहीं लिया ना, आपने किसी चीज की सर्विस दी है, आपने किस चीज की सर्विस दी है? आपने रेंट की सर्विस दी है, इसलिए रेंट इनकम को क्रेडिट कर दिया। यानी आपने 20,000 की रेंट की सर्विस दी, देन में चला गया, और 20,000 कैश ले लिया, लेन में आ गया। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड रेंट इनकम, क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं रिसीव्ड रेंट इन एडवांस। अब बात आ गई फिर से एडवांस की। अब आप लोग एडवांस में रेंट ले रहे हैं, देखें सबसे पहले तो ये सोचे आप लोग ले क्या रहे हैं, आप लोग कैश ले रहे हैं तो कैश को आप लोग डेबिट कर देंगे 40,000 से। हमारे पास हम एडवांस में जब रेंट ले रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं, हमारी कंपनी में एसेट्स बढ़ रहा है, वो एसेट्स कौन सा है? वो कैश है, और कैश को हमने डेबिट कर दिया, क्लियर। अच्छा आप लोग एडवांस में ले रहे हैं रेंट, देखें आपको कैश मिल चुका, कैश को आपने डेबिट कर दिया। अच्छा देखें अनअर्न की नेचर जो है वो लाइबिलिटी है, क्लियर। देखें जब आप लोगों ने एडवांस में रेंट ले लिया तो आपने उसको सर्विस देनी है, नहीं देनी, हर हाल में सर्विस देनी है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है, अनअर्न की नेचर लाइबिलिटी है। तो बेटा देखें आप लोग अपने पास अनअर्न
रेंट को 40,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। अब जरा मैं समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। देखें यहाँ पर दो चीज़ें बढ़ रही हैं, इस एंट्री में एसेट्स बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा था, कैश को मैंने डेबिट कर दिया, और लायबिलिटी भी बढ़ रही थी क्योंकि हमें एडवांस में मिल चुका, अब हमने सर्विस देनी आ रहा हाल में, अगर देंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं देंगे तो पैसे वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बेटा लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो मैंने रूल्स के मुताबिक अनर्न रेंट को क्रेडिट कर दिया 40,000 से। अब ज़रा आप लोग अपने नज़रिए सोचें, आप लोग क्या ले रहे हैं, आप लोग कैश ले रहे हैं, कैश को डेबिट कर दिया। अच्छा बेटा आपने कैश फ्री में तो नहीं लिया, आपने किसी चीज़ की सर्विस देनी है, आपने किस चीज़ की सर्विस देनी है, आपने रेंट की सर्विस देनी है, इसलिए बेटा देन के कॉलम में आ गया, दी नहीं है। यहाँ पर देखे बेटा आप लोग कैश ले चुके थे और रेंट की सर्विस दे चुके थे, इसलिए साथ में इनकम का नाम लिख लिया क्योंकि हमने कमा लिया। लेकिन यहाँ पर बेटा आप लोग कैश ले चुके, कैश को डेबिट कर दिया, लेकिन बेटा साथ में अनर्न लिखे, अनर्न का मतलब नहीं कमाया, हम लोग सर्विस देंगे तो तब जाके कमाएंगे, इसलिए बेटा अनर्न रेंट को क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिखेंगे बेटा टू रिकॉर्ड रिसीव्ड रेंट इन एडवांस लिख लेंगे, ये क्लियर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, रिसीव कमीशन इन एडवांस। मैंने आप लोगों को कमीशन दिया एडवांस में 50,000 रुपये, मैंने कहा भाई ये मेरा मकान है किराए पे लगा के दे दें, आपने मुझसे कमीशन ले लिया, आपने वो कमा लिया, नहीं कमाया ना, आपको मिल क्या रहा है, चेक मिल रहा है, बाय चेक लिखा हुआ है। आपने बेटा मुझसे चेक ले लिया तो बेटा पैसे यानी कहाँ से आप लोग लेंगे, जाके बैंक से लेंगे, यानी आप लोग अगर बैंक में चेक डिपॉजिट भी करवा दो तो पैसे कहाँ पर वसूल होंगे, बैंक में होंगे। तो बेटा जब आप लोग चेक देते हैं तो बैंक देन का काम करता है, चेक लेते हैं तो बैंक लेन का काम करता है, तो बेटा आप लोग अपने पास बैंक को डेबिट कर देंगे 50,000 से, क्लियर। अच्छा आपने चेक ले तो लिया, बैंक को आपने डेबिट कर दिया, लेकिन ये 50,000 आपने कमाए तो नहीं है ना, एडवांस में ले रहे हैं, तो बेटा आप लोग साथ में अनर्न का नाम लिख लेंगे, अनर्न कमीशन को आप लोगों ने बेटा 50,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा आपको चेक मिल चुका, बैंक को आपने डेबिट कर दिया, और आपने कमीशन की सर्विस नहीं दी ना, आपने कमीशन की सर्विस देनी है, इसलिए बेटा देन के कॉलम में चला गया, क्लियर। तो बेटा आज के लिए मैंने आप लोगों को जो मेन जो था वो प्रीपेड और अनर्न के बारे में समझाना था इस लेक्चर में, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर बेटा मैं आप लोगों को डिस्काउंट वाली एंट्री समझाऊंगा, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।